टाइगर श्रॉफ अक्षय कुमार की बड़े मियाँ छोटे मियाँ, ये टाइगर श्रॉफ अक्षय कुमार का कमबैक करा पाएगी कि नहीं, कि ये भी बाकी मूवियों की तरह फ्लॉप ही जाने वाली है, इसी पे हम बात करने वाले हैं। आज हम जानेंगे 4 दिन का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितना हुआ है। वीडियो को एंड तक देखना, वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को कर लेते स्टार्ट। ये मूवी और लैंग्वेज में रिलीज हुई थी, बात कर लें हिंदी फर्स्ट डे बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की। पहले दिन दोस्तों 15 करोड़ 5 लाख कमाए थे इसने हिंदी लैंग्वेज में। वहीं बात करें तमिल लैंग्वेज से दोस्तों 8 लाख खाली। वहीं तेलुगु लैंग्वेज की बात करें तेलुगु लैंग्वेज में 5 लाख। वहीं मलयालम लैंग्वेज की बात करें 1 लाख। वहीं कन्नड़ लैंग्वेज की बात करें 1 लाख। दूसरे दिन की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें, दूसरे दिन 50% का ड्रॉप देखने को मिल रहा है, 7 करोड़ 5 लाख कलेक्शन देखने को मिला हिंदी लैंग्वेज से। वहीं तमिल लैंग्वेज की बात करें 5 लाख ही खाली देखने को मिल रहा है। वहीं तेलुगु लैंग्वेज की बात करें खाली 5 लाख ही देखने को मिल रहा है। वहीं मलयालम लैंग्वेज की बात करें 1 लाख ही देखने को मिल रहा है। वहीं कन्नड़ लैंग्वेज की बात करें 1 लाख कलेक्शन देखने को मिल रहा है। वहीं हिंदी लैंग्वेज तीसरे दिन की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें 8 करोड़ देखने को मिल रहा है। वहीं तमिल में 5 लाख, वहीं तेलुगु में 3 लाख, मलयालम में कन्नड़ लैंग्वेज में कुछ नहीं, 0। चौथे दिन की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की, चौथे दिन दोस्तों 8 करोड़ 95 लाख कलेक्शन देखने को मिला हिंदी लैंग्वेज में। वहीं तमिल में 5 लाख, वहीं तेलुगु में 5 लाख, करे टोटल कलेक्शन दोस्तों 40 करोड़ 37 लाख कलेक्शन देखने को मिल रहा है। वहीं ओवरसीज की बात करें, इंडियन ग्रॉस कलेक्शन की बात करें, इंडियन नेट कलेक्शन की बात करें, वहीं वर्ल्ड वाइड की बात करें, ये मूवी कितना 4 दिनों में कितना करती हुई दिखाई दे रही है, 26 करोड़ 5 लाख कलेक्शन देखने को मिला, यानी बाहरी कलेक्शन देखने को मिल रहा है। वहीं ग्रॉस कलेक्शन की बात करें 48 करोड़ 5 लाख कलेक्शन देखने को मिल रहा है। वहीं इंडियन नेट कलेक्शन की बात करें 40 करोड़ 8 लाख कलेक्शन देखने को मिल रहा है। वहीं बात करें वर्ल्ड वाइड की, वर्ल्ड वाइड से दोस्तों 75 करोड़ ये मूवी करती हुई दिखाई दे रही है। वहीं इसका बजट की बात करें 250 से 300 करोड़ इसका बजट बताया जा रहा था, 100 करोड़ भी वर्ल्ड वाइड में पार नहीं किया। ये मूवी बहुत बुरी तरीके का फ्लॉप जाने वाली है। ये अपना बजट भी रिकवर कर पाएगी कि नहीं, आगे देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में।